नहीं है इसके पास, ये लौंडा हवा में उड़ रहा है, ऐसे कैसे अटक सकता कोई। आई डोंट बिलीव दिस, असंभव असंभव है जो असंभव। गाइस फ्री फायर बैन होने के बाद यहाँ पे काफी बड़े बड़े यूट्यूबर अपनी मेन आईडी में हैक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे गाइस उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा कि उनकी आईडी में सीजन फर्स्ट है या फिर सीजन सेकंड है, वो लोग अपनी मेन आईडी में हैक का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड गाइस वो ऐसा हैक है जो कि गाइस आपने आज तक कभी देखा ही नहीं होगा, जिस पे लोग हवा में उड़ के अपने एनिमी को मार रहे हैं, जैसे कि गाइस अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। उनको गाइस ऐसा लग रहा है कि फ्री फायर तो बैन ही होने वाला है एंड हमारी आईडी भी चली जाएगी, इससे अच्छा कि हम यहाँ पे हैक का इस्तेमाल कर लेते हैं, बिकॉज फ्री फायर तो हमारी आईडी बैन करने ही वाला है। इससे पहले फ्री फायर हमारी आईडी बैन करे, हम खुद ही अपनी आईडी को बैन कर लेते, गरीना को क्यों इतना टेंशन देना। एंड साथ ही साथ गाइस इस वीडियो में और भी काफी बड़े बड़े न्यूज है, जिसको सुनने के बाद गाइस आपके यहाँ पे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसमें से गाइस एक दो नमूना मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि गाइस अभी आप इस बंदे को स्क्रीन में देख पा रहे हो, इस बंदे ने गाइस यहाँ पे एक ऐसा कांड किया है जो कि गाइस फ्री फायर बैन होने का मेन रीजन भी बन सकता है। ये गाइस एक फ्री फायर प्लेयर है एंड इसने ऐसा क्या किया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड साथ ही साथ गाइस यहाँ पे और एक बड़ी न्यूज है जो कि गाइस हमारे पे जो लोकेश गेमर है, इन्होंने गरीना को डायरेक्ट कॉल कर दिया, जो कि गाइस मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो गाइस काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, इसलिए गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई क्या ही कर रहे हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है। आपको गाइस नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, इस पे आपको प्रेस करना है एंड उसके बाद गाइस आपको यहां पे बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। अगर गाइस आप यहां पे ऐसा करोगे तो गाइस मैं आपको यहां पे वादा करता हूं कि कल को आपको यहां पे आपकी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, वो भी रास्ते पे चलते हुए। ये गाइस मैं आपसे वादा करता हूं, एक बार सब्सक्राइब करके तो देखो, अगर आपको कल को गर्लफ्रेंड नहीं मिली ना गाइस तो गाइस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। एंड साथ ही साथ गाइस अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई कौन से जमाने में जी रहे हो, हमारे वीडियो को भी लाइक कर दो। अगर आप वीडियो लाइक करोगे तो मैं ऐसी धमाकेदार वीडियो और भी लेते आते रहूंगा। तो चलो गाइस अब अपने वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है, फ्री फायर बैन होने के बाद हम यहाँ पे कभी भी साथ पे मिलकर गेम नहीं खेल पाएंगे, इसीलिए गाइस यहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है वो लोग अभी से यहाँ पे कोलैब कर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल ज्ञान गेमिंग, एस गेमिंग एंड लोकेश गेमर, ये तीनों ने गाइस अभी कोलैब कर लिया है, बिकॉज ऑफ गाइस इन तीनों को पता है कि जब यहाँ पे फ्री फायर गेम बैन हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे कभी भी साथ पे गेम नहीं खेल पाएंगे और ना ही साथ पे यहाँ पे गेमिंग वीडियो डाल पाएंगे, इसीलिए गाइस इन्होंने अभी से कोलैब कर लिया है एंड अपने चैनल पे कोलैब की वीडियो डाल रहे हैं, मतलब कि साथ में वीडियो डाल रहे हैं ताकि जब यहाँ पे फ्री फायर बैन हो जाए तो उनके यहाँ पे कुछ मेमोरी रहे कि यहाँ पे हमने लास्ट में फ्री फायर गेम साथ पे खेला था एंड इतना मजा किया था। एंड गाइस आप यहाँ पे यकीन मानो, जब यहाँ पे ये तीनों साथ पे गेम प्ले करते तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड मेरे चेहरे पे तो पर्सनली स्माइल बनी रहती है, आपका मेरे को पता नहीं। मैं गाइस इनका एक दो क्लिप आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। भागा लोकेश, नहीं अंदर ही रहेगा, अरे उन क्या तो मर जा जाके साले, हरामी बच गया मैं बच गया, जीत गया है। ओ भाई क्या सेक्सी बचा, क्या सेक्सी बचा है, क्या लोग उसमें बकलोल को मैं बचा रहा हूं। अरे जल्दी 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 खत्म करना, कम ऑन कम ऑन। अरे भाई तारा भाई, भाई टाइलर गैंग जिंदाबाद, यो यो बॉय। आई नो गाइस फ्री फायर बैन होने के बाद आप यहाँ पे ज्ञान गेमिंग, एएस गेमिंग एंड लोकेश गेमर को काफी ज्यादा मिस करने वाले हो, बिकॉज ये लोग काफी अच्छे एंटरटेनर है। एंड गाइस आपको इन तीनों में से सबसे अच्छा एंटरटेनर कौन लगता है, इस चीज को आप कमेंट बॉक्स पे जरूर से बताना। मेरे को तो गाइस यहाँ पे ज्ञान गेमिंग काफी ज्यादा पसंद है, आपका यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा फेवरेट है कमेंट पे जरूर से बताना, मैं देखना चाहता हूँ कि इन तीनों में से कौन जीतेगा। फ्री फायर बैन होने के बाद हमारे यहाँ पे जो देसी गेमर है इन्होंने यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था, बिकॉज ऑफ गाइस यहाँ पे वेट कर रहे थे कि हमारा जब यहाँ पे न्यूज कंफर्म हो जाएगा उसके बाद ही यहाँ पे रिएक्शन देंगे। एंड जैसे यहाँ पे देसी गेमर को कंफर्म हो गया कि फ्री फायर एक्चुअली में बैन हो चुका है, तो उसके बाद देसी गेमर अपने लाइव में आए एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी डिसीजन ले रहा है मैं उसके साथ हूँ, बिकॉज अगर गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगा वो हमारे अच्छाई के लिए लेगा, हमारी बुराई गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगा। मैं उस लाइव का आपको छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ। करना चाहता हूँ गाइस, क्योंकि गाइस यार मैं फ्री फायर की वजह से तुम लोगों के साथ जुड़ा हूँ, ठीक है। हमको गवर्नमेंट की बात मानना है, ठीक है। अगर इससे इस गेम से अगर कुछ प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी ऐसा कुछ हो रहा है तो हमको उसको फॉलो करना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी स्टेप लेती है वो हमारे अच्छे के लिए लेती है, सो हम उसको फॉलो करेंगे, सिंपल सी बात है। एंड सेकेंड चीज़, अगर नहीं, अगर मान लो ये चीज़ फेक होता, ठीक है, तो फ्री फायर भी तो कुछ स्टेटमेंट देता, फ्री फायर ने भी तो कुछ नहीं दिया अभी तक स्टेटमेंट, फ्री फायर भी तो दे सकता है आप स्टेटमेंट कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है बोल के, बट फ्री फायर भी चुप बैठा है। तो भाई देखो फ्री फायर का पोस्ट देखो क्या है गाइस, ये देखो फ्री फायर का पोस्ट देखो, ये देखो फ्री फायर का पोस्ट में वैलेंटाइन का पोस्ट चल रहा है, देख रहा हूँ
उनको बैन से घंटा फर्क ही नहीं भाई। ये देखो दूसरा पोस्ट क्या है, फ्री फायर का दूसरा पोस्ट ये देखो। तो फ्री फायर में तो कुछ दिया नहीं अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट। लोग यहाँ पे गाइस हमारे जो क्लासिक फ्री फायर है जिनके 1.2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, उन्होंने एक वीडियो अपलोड करा जिसपे गाइस उनका टाइटल था पीपल स्टार्टेड यूजिंग हैक इन देयर अकाउंट आफ्टर फ्री फायर बैन मोस्ट फनी वीडियो, ऐसा करके गाइस उनका यहाँ पे टाइटल था। एंड गाइस जब मैंने उनका यहाँ पे ये वीडियो प्ले करा तो उसके बाद गाइस आप यहाँ पे यकीन मानो मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, बिकॉज उस वीडियो में इतना भयंकर हैकर था जो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो हैकर गाइस हवे में लेट के एनिमी को हेडशॉट मार रहा है। गाइस अब आप समझ रहे हो, पहली बात तो वो हवे में एंड हवे में लेट के एनिमी को हेडशॉट मार रहा है। ये गाइस काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है फ्री फायर गेम के अंदर। बट गाइस यहाँ पे पता नहीं इस बंदे को ये वाला है कहाँ से मिल गया एंड ये कैसे करके को मार रहा है। ऐसे हेडशॉट मारना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। इससे पहले गाइस मैं आपको वो पार्ट प्ले करके दिखाऊं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ उस पार्ट के अंदर काफी ज्यादा गालियां है। इसलिए गाइस अगर आप यहाँ पे अपने मम्मी पापा के पास बैठे हो तो आपके पास अभी चप्पल उड़ के आने की संभावना काफी ज्यादा है। इसलिए अपने मम्मी पापा से या तो दूर हो जाओ या फिर हेडफोन पहन लो, या फिर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो इस क्लिप को प्लीज से ना देखो, आपकी यहाँ पे नियत और आदत दोनों बिगड़ सकती है। तो चलो गाइस मैं आपको छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ। ये क्या है? कोई ग्रिप नहीं है इसके पास, ये लौंडा हवा में उड़ रहा है, ऐसे कैसे अटक सकता कोई? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। I don't believe this! असंभव, असंभव है जो असंभव। भगवान से नहीं डरता ये आदमी, ये किसी से नहीं डरता है। तो गाइज आपको यहाँ पे ये वाला हैकर कैसा लगा कमेंट पे जरूर से बताना। एंड गाइज आपने आज तक सबसे भयंकर हैकर कौन सा देखा ये चीज भी गाइज कमेंट पे जरूर से बताना। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आपका आज तक कौन कौन से हैकर से पाला पड़ा है। एंड हाँ गाइज अगर आपको आज का हमारा याला वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज गाइज मैं अपने चैनल पे इससे भी भयंकर कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ। लुकेश गेमर को तो गाइस आप सभी लोग जानते होंगे कि इनकी पहुंच गरीना में बहुत ज्यादा है, मतलब कि हमारे इंडिया में जितने भी यूट्यूबर आपको देखने को मिलेंगे उनमें से सबसे ज्यादा पहुंच हमारी लुकेश गेमर की है गरीना में। सो गाइस यहां पे बेसिकली हुआ क्या, हमारे जो लुकेश गेमर है इन्होंने इंडिया के मॉडरेटर को कॉल लगा दिया। अब जिनको नहीं पता मॉडरेटर क्या होता है मैं उनको यहां पे बता देता हूं। सो गाइस देखो हमारे पे जो गरीना कंपनी है इसके अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग मॉड होते हैं, ताकि उस कंट्री के अंदर अगर कोई भी दिक्कत आए गेम से रिलेटेड तो वो जो मॉड है वो चीज गरीना तक पहुंचा पाए। सो गाइस बेसिकली यहां पे हुआ क्या, हमारे पे जो लोकेश गेमर है उन्होंने इंडिया के मॉड को कॉल लगा दिया एंड उनसे पूछा कि भाई यहां पे गरीना असली में बैन हुआ है या फिर कोई अगवा चल रहा है। एंड उसके बाद वहां पे उनका क्या रिप्लाई आया तो गाइस मैं आपको वहां पे वो चीज प्ले करके दिखा देता हूं। बोलते कि भाई 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 ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, फ्री फायर बैन, फ्री फायर रिमूव फ्रॉम ऐप स्टोर, फ्री फायर बैन, फ्री फायर रिमूव, फ्री फायर रिमूव, फ्री। अब मैं परेशान, मैं वीडियो देखे जा रहा हूँ इनका सबका, मैं देखे जा रहा हूँ ये क्या बहुत वीडियो आए जा रहे हैं, फ्री फायर बैन हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, फ्री फायर नहीं चल रहा है, ये सब मेरे को वीडियोस आ रहे हैं 2 बजे मेरे, मैं जब यूट्यूब खोलता हूँ तब मैंने मॉड को कॉल लगाया, मैंने बोला ये क्या लोग वीडियो बना रहे हैं, फ्री फायर बैन हो गया, फ्री फायर नहीं खुल रहा है, ये वो। तो मॉड ने बोला नहीं, ये मॉड ने बोला कि ये सब ग्लिच है, इन लोगों को पता नहीं है ग्लिच है, ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम अपना गेम खेलो। मैंने भी चिल करते हो ठीक है बोल रहे हैं ठीक हो जाएगा, तो मैंने फिर फ़ोन कट किया, मैंने फिर कॉल किया और कॉल करके मैं बोलता हूँ मॉड को, अरे ये क्या, ये तो प्ले स्टोर से भी हटा दिया, ये कौन सा ग्लिच चल रहा है फ्री फायर का। वो बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं है, ठीक है हमें पता नहीं है कि ये क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अब उन्हें खुद पता नहीं है क्योंकि वो सिंगापुर की टीम को ही पता होगा गाइस, कहाँ से इंडिया की टीम को पता होगा। तो वो लोग बोल रहे हैं हमें अभी पता नहीं चला है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, और सिंगापुर की टीम ने भी अभी बताया नहीं है क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्यों हट रहा है। तो मैंने बोला ठीक है लेकिन कब तक पता लगेगा ये सब। तो उन लोगों ने बोला हमें 1 दिन तो लग जाएगा, 1 दिन मतलब गाइस मिनिमम 1 डे तो लगेगा ही, 1-2 दिन लगेगा पता करने में कि क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या नहीं हुआ है।
यहाँ पे गाइस मैं आपको जो न्यूज बताऊंगा ये बहुत ज्यादा भयंकर न्यूज है, बिकॉज ये फ्री फायर गेम से रिलेटेड एक न्यूज है। बेसिकली गाइस यहाँ पे हुआ क्या, जिसकी फोटो गाइस अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये बंदा यहाँ पे फ्री फायर खेलता था एंड फ्री फायर गेम के अंदर इसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिससे यहाँ पे बात करता था। अब गाइस यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, ये दोनों यहाँ पे धीरे धीरे करके बात करने लगे एंड यहाँ पे जो लड़का है इसने लड़की से इसकी एक दो प्राइवेट फोटो मांग ली एंड उसके बाद बेसिकली हुआ क्या, ये लड़का इस लड़की को यहाँ पे ब्लैकमेल करने लगा कि भाई तू यहाँ पे पैसे दे दे वरना मैं तेरी फोटो तेरी फैमिली तक पहुंचा दूंगा या फिर मैं इस चीज को पब्लिक कर दूंगा। सो गाइस यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे जो लड़की वाले थे इसके फैमिली वालों को ये चीज पता चल गया एंड उन्होंने यहाँ पे FIR लिखा दिया एंड उसके बाद काफी ज्यादा खोजबीन के बाद उस लड़कों को यहाँ पे पकड़ लिया गया एंड जेल में डाल दिया गया। एंड उसके बाद यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने क्या कहा, मैं उसको आपको छोटा सा पार्ट प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ऑनलाइन गेम्स के थ्रू संपर्क में आया और उसके बाद आरोपी के पास लड़की के फोटोज थे जिसको वो धमकी दिया कि अगर पैसे नहीं देने पे वो फोटोज़ डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वायरल करेंगे। उस पर थाना में FIR हुआ और 509B और 384 पे धारा पे कायमी हुई और उसके बाद हमने इसका इन्वेस्टिगेशन किया साइबर की मदद से, इंस्टाग्राम से डिफरेंट प्लेटफॉर्म में इसके जानकारी एकत्र किए। तो ये आरोपी राजस्थान का निकला तो हमारी टीम ने राजस्थान से जालौर जिले से इसको गिरफ्तार किया। तो इसमें क्या है कि जो प्रार्थी पक्ष रहता है या फिर जो पीड़ित पक्ष रहता है वो डर जाता है और पैसे दे देता है। तो इस तरह का ये मामला था जिसमें प्रार्थिया ने आके पुलिस। सो आई होप गाइस आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो गाइस हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज गाइस मैं अपने चैनल पे ऐसी कंटेंट अपलोड करते रहता हूं। एंड ना गाइस अगर होगा तो हमारे वीडियो को भी लाइक कर देना, आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि फ्यूचर में आप तक ऐसी कंटेंट सबसे पहले पहुंचाते रहूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, लव यू, टेक केयर।